आईबीसी जैसा एक कोड जिसने देश के बैंकिंग को और उद्योग को एक नया चेहरा दिया। आज आईबीसी के कारण हम दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ पाए, दुनिया के इन्वेस्टर्स के मन में हमने एक कॉन्फिडेंस पैदा किया, उसको जिस प्रकार से अरुण जी ने तैयार किया और लागू किया, आज हम देख रहे हैं कि देश के फंसे हुए एसेट्स धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, बैंकों के एनपीए कम हो रहे हैं और एक प्रकार से एक फाइनेंशियल सिस्टम में एक अनुशासन उसके माध्यम से हमको दिखाई पड़ता है। वैसे तो इतने अलग अलग फैसले अरुण जी के जीवन में उन्होंने लिए हैं कि उन सभी पर प्रकाश अगर हम डालें तो समय भी बहुत लगेगा, किंतु मैं ऐसा मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मोदी जी का विजन था इस देश के बारे में और उस विजन को एक्शन में ट्रांसलेट करने का काम अगर किसी ने किया होगा तो अरुण जी ने करके दिखाया, जो बड़ा कठिन था लेकिन बिल्कुल उसको देश के अंदर उन्होंने करके दिखाया। सच तो यह है कि मोदी जी के इस 2.0 वर्जन में अरुण जी भी होते तो शायद प्रगति की गति में एक बहुत बड़ा उनका साथ होता, उनका जो इंजन है वो बड़ी तेजी से भागता और निश्चित ही मुझे लगता है कि देश के लिए और काम वो कर पाते, किंतु हमारे बीच वो नहीं रहे। और ऐसे व्यक्ति का स्मारक मुंबई के साथ उनका एक अपना संबंध रहा है। भाभी जी ने जैसे कहा कि बचपन तो मुंबई में कई बार उन्होंने गुजारा, लेकिन जब भी मुंबई में आते थे और उनके साथ हम लोग चर्चा करते थे, बातचीत करते थे, तो मुंबई की नस नस से वो वाकिफ थे, एक एक व्यक्ति को पहचानते थे, यहाँ की एक एक घटना उनको मालूम होती थी और उसका क्या अन्वयार्थ होगा ये भी उनको पता होता था। तो एक प्रकार से मुंबई के साथ उनका रिश्ता था और मुंबई में उनका स्मारक होना, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी मुंबईकरों की और महाराष्ट्र के सभी लोगों की एक ख्वाहिश थी, आज वो पूरी हो रही है और मुझे विश्वास है कि ये स्मारक तो हम सबको प्रेरणा देगा, पर उनके विचार उससे भी ज़्यादा प्रेरक थे। और मेरे जैसे राजनीति में जो काम करने वाले लोग हैं, इनको हमेशा जब भी प्रेरणा की आवश्यकता पड़ेगी तो हम अरुण जी की तरफ देखते हैं और देखते रहेंगे और उनकी तरफ से प्रेरणा पाकर एक साफ सुथरी और देश हित की राजनीति करने के लिए हम हमेशा प्रेरित होते रहेंगे। ऐसे हमारे इस लाडले नेता, देश के एक महान अधिवक्ता, एक महान विचारक, एक महान इकोनॉमिस्ट और साथ साथ जिनको खेल की दुनिया में विशेष इंटरेस्ट था, क्रिकेट में जिनका विशेष इंटरेस्ट था, ऐसे एक स्पोर्ट्स पर्सन अरुण जी को निश्चित रूप से हम सभी लोग मिस करेंगे, पर ये स्मारक उनकी याद हमारे लिए हमेशा ताजी बनाए रखेगा।